कुल्हार में वर्ष 2013 में हाई स्कूल के लिए भवन निर्माण किया गया था, लेकिन स्कूल के चारों तरफ स्थानीय नागरिकों द्वारा या तो कब्जा कर रखा था या फिर निजी भूमि थी, जिसके कारण छात्रों को स्कूल पहुंचने में बड़ी समस्या होती थी। वर्षों पुरानी समस्या जब कलेक्टर पंकज जैन के पास आई, तब कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लेते हुए विशेष रूप से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश मेहता को स्कूल का रास्ता खुलवाने के लिए निर्देशित किया। एसडीएम मेहता ने अधिकारियों की टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया और एक पटवारी आरआई नायब तहसीलदार का दल गठित किया गया, जिसका निर्देशन और मार्गदर्शन स्वयं किया गया और आनन फानन में विशेष दल द्वारा सीमांकन करवाया गया। संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। 12-13 में कुल्हार में एक हाई स्कूल बना था शासकीय जमीन पे। उस जमीन के चारों तरफ प्राइवेट भूमि थी, जिसके कारण उस स्कूल को संचालन करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। बच्चों के आने जाने की परेशानी थी। इस चीज़ को कलेक्टर महोदय द्वारा संज्ञान में लिया गया और इसे टाइम लिमिट में अंकित किया गया, जिसके बाद हम लोग मौके पे, मैं भी गया और मेरे साथ नायब तहसीलदार और पटवारी भी गए। जब हमने देखा तो देखा कि एक तो सरकारी रास्ता उस पर काफ़ी अतिक्रमण था, उसके बाद उस रास्ते के बाद जो शासकीय निजी भूमि थी उन किसानों से बातचीत करके सहमति बनाई गई कि आप कुछ रास्ता जमीन दे दें ताकि रास्ता बन जाए। तो शासकीय रास्ता पे से अतिक्रमण हटा करके निजी भूमि पर भी रास्ता बनाया जा रहा है, जिस पर आज मुर्मीकरण हो रहा है। निकट भविष्य में उसे सीसी रोड बनेगा ताकि गांव के लोगों को आने जाने के सुविधा मिल सके, बच्चे भी आम सामान्य रूप से आना जाना कर सके स्कूल में। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन